बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म दृश्यम 2 की सफलता का स्वाद ले रहे हैं। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की साल 2022 की तीसरी बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म ने रिलीज के महज चंद दिनों में ही 160 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर डाली। अब इस फिल्म की सफलता के बाद अजय देवगन इस वक्त करियर के बेस्ट फेज में हैं। फिल्म की सफलता के बाद ही एक्टर ने अपनी अगली फिल्म भोला का मेगा ऐलान कर दिया था। अब सुनने में आया है कि फिल्म स्टार अजय देवगन जल्दी ही अपनी सिंघम सीरीज की तीसरी फिल्म की तैयारी में लग गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्टार अजय देवगन ने अपनी फिल्म सिंघम के तीसरे पार्ट के लिए एक बार फिर निर्देशक रोहित शेट्टी से हाथ मिलाया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली सिंघम फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का नाम सिंघम अगेन रखा गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट की माने तो तीसरे पार्ट की शूटिंग अजय देवगन की फिल्म भोला की शूटिंग पूरी होते ही शुरू हो जाएगी। बता दें कि अजय देवगन इन दिनों कई दिलचस्प फिल्मों में बिजी हैं। दृश्यम 2 के बाद तमिल फिल्म कैथी के रिमेक वर्जन भोला को लेकर सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसके बाद अजय देवगन फिल्म मैदान और सिंघम अगेन में भी नजर आएंगे।